हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 2 है बीएससी 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा ही है, ये आपका जो चैप्टर है वो कौन सा है, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन बुक का जो एक चैप्टर है, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी का हम एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बता दिया गया था, जैसे कि आपको सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया गया था, वो होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद आपको ऑर्डिनरी पॉइंट बताया गया था, सिंगुलर पॉइंट बताया गया था, फिर सिंगुलर पॉइंट के दो टाइप्स होते हैं वो आपको वो भी बता दिया गया था, जो कि होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड ई रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि शो दैट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x² प्लस डी 2x² इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 7x ब्रैकेट में x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू जीरो। देखिए अभी जो आपका ये इक्वेशन यहाँ पे आपको गिवन है सेकेंड ऑर्डर में, ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। उसमें क्या होना चाहिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कोफिशियंट जो यहाँ पे है वो 1 होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे क्या है 2x² है। इसको आपको यहाँ से रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आन बोथ साइड हम 2x² से डिवाइड कर दें, सेम सेम होकर के कैंसिल आउट होकर के यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो आपका बन जाएगा। आइए सबसे पहले हम इसको 2x² से आन बोथ साइड क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो आपका दूसरे फॉर्म में यहाँ पे लिखा जाएगा। आइए उसको यहाँ पे हम नोट करते हैं। तो देखिए आपका जो इक्वेशन है किस फॉर्म में आ जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 7x ब्रैकेट में x प्लस 1 इसके अपॉन में आ जाएगा 2x² क्योंकि आप इसी से डिवाइड कर रहे हो, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी आपका आ जाएगा 3 अपॉन में 2x² इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक x है अपॉन में x² है, तो इसकी एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इम्प्लाइज दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 7 ब्रेकेट में x प्लस 1 और अपॉन में आपका आ जाएगा 2 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन में 2x² इंटू में y इज इक्वल टू जीरो। तो यही आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म आपका सीरीज सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब उसी वाले इक्वेशन से यदि इसका कंपैरिजन कर ले तो आपको p ऑफ x एंड q ऑफ x का यहाँ पे वैल्यू फाइंड हो जाएगा। p ऑफ x क्या होता है, dy वाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट होता है, और q ऑफ x क्या होता है, y का कोफिशियंट होता है। तो आइए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका हम कंपैरिजन करते हैं और पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स को फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए हम कंपैरिजन करेंगे विथ डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पे देखिए पी ऑफ एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट है, जो कि यहाँ पे क्या है 7 ब्रेकेट में x प्लस 1 अपॉन में 2x, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 ऑफ x प्लस 1 अपॉन 2x। और यहाँ पे देखिए q ऑफ x इंटू वाई है, तो y का कोफिशियंट क्या है 3 अपॉन में 2x² इसके साथ एक निगेटिव है, तो q ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3 अपॉन में 2x². तो आइए यहाँ पे इसको नोट करते हैं। तो आपका जो p ऑफ x है वो किसके बराबर आ जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 7 ब्रेकेट में x प्लस 1 और अपॉन में आपका आ जाएगा 2 इंटू में x, और आपका q ऑफ x क्या आ जाएगा, यह आपको हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन में 2x². तो ये आपका हो गया p ऑफ x एंड q ऑफ x। इसी की सहायता से हम पता करते हैं कि हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर सिंगुलर पॉइंट है या फिर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो आई होप ये सभी बातें आपको अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि आपको इसके पहले के लेक्चर में ये सभी बातें आपको बता दिए गए थे अच्छे से, और उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी उस वहाँ पर सॉल्व किया गया था, और उसी के मेथड से हम इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे आपका, जो कि एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सो दैट एक्स बराबर जीरो पर आपको दिखाना है कि यह रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। इसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या सिंगुलर पॉइंट है या नहीं।
अगर सिंगुलर पॉइंट है तब फिर हम चेक करेंगे कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या नहीं। तो सिंगुलर पॉइंट चेक करने के लिए क्या करते हो आप, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स को फाइंड करते हो आपको जो भी क्वेश्चन में आपका कंडीशन गिवेन हो। तो आपको एक्स बराबर जीरो पर यहाँ पे देखना है यह सिंगुलर पॉइंट है या नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे वी कैन सी दैट बोथ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर नॉट एनालिटिक। अगर ऐसा है x बराबर जीरो पर तो आपका x बराबर जीरो क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। अब यहाँ पे देखिए हम चेक करेंगे सबसे पहले एट x इज इक्वल टू जीरो, एट x इज इक्वल टू जीरो हम p ऑफ जीरो चेक करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जीरो पान में जीरो आपका जीरो आ जाएगा। q ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, माइनस का थ्री पान में क्या आ जाएगा, इन जीरो, इसको आप इनफाइनाइट लिखते हो। ये तो फाइनाइट हुआ, जीरो आपका क्या है, फाइनाइट है, और ये तो आपस में क्या है, इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स है वे आपस में एनालिटिक नहीं है। अगर एनालिटिक नहीं है तो आप यहाँ पे एक्स बराबर जीरो पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। आइए उसी बात को यहाँ पे हम नोट करते हैं। तो देखिए मैंने उसी बात को लिखा जो आपको मैंने बताया था, वी कैन सी दैट बोथ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर नॉट एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। सो एक्स इज इक्वल टू जीरो इज अ सिंगुलर पॉइंट। अगर आपका सिंगुलर पॉइंट है तो जाहिर सी बात है या फिर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा एक्स बराबर जीरो पर, या फिर आपका इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा एक्स बराबर जीरो पर। लेकिन आपको सो दैट क्या करना है, एक्स बराबर जीरो पर आपको सो दैट करना है कि आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। इसके लिए आप क्या करते हो, वहाँ पे आप फाइंड करते हो एक्स माइनस एक्स नॉट इन टू पी ऑफ एक्स, और सेकंड फाइंड करते हो एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर टू क्यू ऑफ एक्स। तो फिर उसके बाद देखते हो दोनों फाइनाइट है या फिर एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट है, तो उसी पर बेस्ड हम उसको एनालिटिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको x माइनस एक्स नॉट पी ऑफ एक्स का फॉर्म यहाँ पे बनाना पड़ेगा। x नॉट क्या होता है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो x का वैल्यू। तो x बराबर आपको जीरो गिवन है तो x नॉट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जीरो पुट करेंगे। तो आपका जो फॉर्म था x माइनस एक्स नॉट पी ऑफ एक्स वो आपका बदल जाएगा x माइनस जीरो पी ऑफ एक्स। बट आपको सिर्फ पता है पी ऑफ एक्स बराबर सेवन ब्रेकेट में x प्लस वन अपॉन टू एक्स। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम इसको नोट करते हैं। आपको गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेवन ब्रेकेट में एक्स प्लस वन और अपान में क्या है टू एक्स। एक्स माइनस जीरो आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि हम इधर भी एक्स से मल्टीप्लिकेशन कर दें इधर भी कर दें तो देखिए हमको क्या मिलेगा। यदि हम इस साइड एक्स से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक्स इंटू में पी ऑफ एक्स मिलेगा, इधर एक्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक एक्स ऊपर होगा एक एक्स नीचे है, आपस में कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे बचेगा सेवन ब्रेकेट में एक्स प्लस वन अपान में क्या बचेगा टू बचेगा। अब आप इसी एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस जीरो लिख सकते हो और इनटू में पी ऑफ एक्स आपका किसके बराबर है, सेवन ऑफ एक्स प्लस वन अपान में टू। तो ये तो आपका हो गया एक्स माइनस एक्स नॉट पी ऑफ एक्स। अब हम दूसरा फाइंड करेंगे x माइनस एक्स नॉट की पावर 2 इंटू क्यू ऑफ एक्स। अब देखिए हम q ऑफ एक्स को लेके यहाँ पे चलते हैं, आपको q ऑफ एक्स यहाँ पे गिवन है माइनस का 3 बाई टू एक्स स्क्वायर, माइनस का 3 अपॉन में 2x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपको लाना है x माइनस एक्स नॉट की पावर 2, तो x नॉट आपको 0 गिवन है अर्थात यहाँ पे x स्क्वायर आना चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे, इधर भी और इस साइड भी मल्टीप्लिकेशन कर दो एक्स स्क्वायर से, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का थ्री बाई टू आ जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसी को आप लिख सकते हो एक्स माइनस जीरो की पावर टू और इनटू में आप लिख सकते हो क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का थ्री बाई टू। ये भी आपका एक फाइनाइट शो कर रहा है, ये भी आपका एक फाइनाइट शो कर रहा है, तो दोनों आपस में कैसे हो गए, एनालिटिक हो गए। अगर एनालिटिक हो गए एक्स माइनस एक्स नॉट पी ऑफ एक्स और एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर टू क्यू ऑफ एक्स,
तो आपस में कैसे हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो उसी बात को हम यहाँ पे नोट करेंगे। उसके पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि हम ये क्यों फाइंड किए हैं। तो आपको देखो, जो आपको सिंगुलर पॉइंट की डिफिनेशन बताया गया था वो तो ऊपर से फॉलो हो गया। फिर आपको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट में बताया गया था कि हम एक्स माइनस एक्स नॉट पी ऑफ एक्स को चेक करते हैं और एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर टू क्यू ऑफ एक्स चेक करते हैं। एक्स नॉट आपको जीरो गिवन था। तो इसी फॉर्म को बनाने के लिए मैंने दो से तीन स्टेप में इसको बनाया है करके। ये सभी क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हिच शो दैट बोथ एक्स माइनस जीरो पी ऑफ एक्स एंड एक्स माइनस जीरो स्क्वायर क्यू ऑफ एक्स आर एनल्टिक एट किस पर हैं, एक्स बराबर जीरो पर। देन एक्स बराबर जीरो इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए उस बात को यहाँ पे हम नोट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने उसी बात को नोट कर दिया है कि व्हिच शो दैट बोथ एक्स माइनस जीरो पी ऑफ एक्स एंड एक्स माइनस जीरो की पावर टू क्यू ऑफ एक्स आर एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों आपस में फाइनाइट आ रहे हैं। देन एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द गिवन, या आपका डी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन में कह रहा था कि सो दैट, आपका यहाँ पे सो दैट हो गया है। तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे पावर सीरीज के बारे में समझेंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।